खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए 2 कप बाजरे का आटा लिया है। आटे को गूंथने के लिए गुनगुने पानी का यूज़ करेंगे, तो गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटे को अच्छे से मसल के गूंथ के तैयार करेंगे। आटा गूंथने के लिए कभी एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के आटा गूंथ के तैयार करेंगे। आटे को एकदम मसल मसल के चिकना कर लेंगे। आटे को बहुत ज़्यादा टाइट और एकदम सॉफ्ट नहीं गूंथना है। आटे को चपाती के आटे के जैसे ही गूंथ के तैयार करना है। देखिए आटे को मसल मसल के एकदम चिकना कर लिया है। आटे को बहुत ज़्यादा ना टाइट रखा है ना सॉफ्ट रखा है। आटे से लोइयां बनाएंगे। आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी है आप उस हिसाब से लोई को बना लीजिए। लोई को अच्छे से मलेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से चिकनी सी लोई बनके तैयार हो गई है। लोई को इस तरीके से दबा देंगे। लोई को परथन में डिप करेंगे। परथन के लिए हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसको इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अगर आपको बाजरे की रोटी बनाने में दिक्कत हो रही है, रोटियां फट रही हैं, तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा यूज़ कर लें। इसमें लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब इसको बेल लेंगे। रोटी को हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है। अगर तागर लगा के इसको बेल देंगे तो रोटी फट जाएगी। देखिए कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार हो गई है। रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। देखिए रोटी की किनारियाँ बहुत ज़्यादा नहीं फटी हैं। डोसे दूसरी लोई बनाएंगे। लोई को अच्छे से चिकना करेंगे। अगर इस तरीके से आटा गूंथ के आप रोटियाँ बनाते हैं तो रोटियाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोई को परथन में डिप करेंगे। हाथों से ही हल्का हल्का बढ़ा लेंगे। अब रोटी को बेल लेंगे। देखिए कितने आसानी से बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई है। रोटी सेकने के लिए गैस पे तवा गर्म होने रख दिया है। तवा गर्म हो गया है, अब इसके ऊपर रोटी डालेंगे। रोटी को एक साइड में हल्का सा सिकने देंगे। जब ये सिक जाएगी तब इसको पलटेंगे। रोटी एक साइड में थोड़ी सिक गई है, अब इसको पलट देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही रोटी को दूसरी साइड में सिकने देंगे। देखिए दूसरी साइड में रोटी पे हल्की सी चित्ती पड़ गई है, इसको तवा से बाहर निकाल लेंगे। तवा के ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे। तवा को हटा देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही रोटी को दूसरी साइड में सेकेंगे। देखिए इस साइड में रोटी सिक गई है, अब इसको पलट देंगे। अब इधर भी रोटी को सेक लेंगे। देखिए इस तरीके से आप रोटी सेकेंगे तो आपकी रोटी आसानी से फूल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बाजरे की रोटी बनके आ रही है। दूसरी रोटी भी एक साइड में थोड़ी सिक गई है, अब इसको पलट देंगे। देखिए दूसरी रोटी में भी हल्की सी चित्ती पड़ गई है। तवा को हटा देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे रोटी को दूसरी साइड में सेकेंगे, जिस साइड में चित्ती पड़ी हुई है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। अब रोटी को पलट लेंगे। देखिए कितनी आसानी से रोटी फूल गई है दूसरी भी।
देखिए दूसरी रोटी भी कितनी अच्छी बन के आई है। इसी तरीके से सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। बाजरे की रोटी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।